कहना पांच सखी चार भागों में होती है। इसी प्रकार से आगे के धर्म भी बहुत सुने होंगे आपने, जितने भी धर्म अब तक बताए गए हैं वह सारे धर्म आप उस सारे धर्मों के ज्ञाता हो गए होंगे, श्रोता हो गए होंगे। मैं ऐसी धारणा रखता हूं आनापान सति को इसलिए हम करते हैं उसका भी आपको ध्यान होगा। आनापान सति के जो फायदे हैं वो भी आप महसूस कर रहे होंगे। आनापान सति सारे धर्मों से पहले सिद्धार्थ गौतम ने छोटी सी उम्र के अंदर अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे किया था। उस पेड़ की बहुत बड़ी महिमा रही है। सुबह से लेके दोपहर तक उस पेड़ की छाया जैसे भगवान बुद्ध पर थी, शाम को 4 बजे तक भी छाया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूरज भी वहीं रुक गया और पेड़ की छाया भी वहीं रुकी रही। ऐसा एक अनोखा उस समय का नजारा था जब बहुत छोटी उम्र में वो आनापान सति अपने यहाँ अपने खेतों में कर रहे थे। तो इस प्रकार से आनापान सति की जो महत्व है वो बाद में समझ में आया। जब घर से निकले थे और निकलने के बाद जो कोशिश की थी नाना प्रकार के गुरुओं के पास जो विद्या सीखी थी, उन विद्याओं से भगवान बुद्ध को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था जिसलिए वो आए थे। तो जब वो समस्या बहुत गहरी हो गई तो बुद्ध पूर्णिमा के समय में, जहाँ बुद्ध पूर्णिमा आती है वहां लास्ट के दिन उन्होंने अपने आनापान सति का अभ्यास फिर दोबारा से शुरू किया और जिसके कारण उनको धर्म का ज्ञान हुआ। तो आनापान सति में सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही अग्रणी थे और हम बूढ़े होकर के इस क्रिया को सीख रहे हैं और ये क्रिया पूरे संसार में अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। और आनापान सति एक प्रक्रिया है, परंतु इसके साथ जो हम ध्यान सब जोड़ते हैं, ऐसे ध्यान की जो परिभाषा है या ध्यान के बदले में जो इंग्लिश में अलग बोलते हैं, पाली में अलग बोलते हैं, जापान के जैन गुरु जैन के नाम से बोलते हैं, इस प्रकार से नाना प्रकार के देशों में इस ध्यान को अलग अलग तरह से वो करते हैं। सभी इस प्रकार से हम चार भागों में करते हैं और सभी लोग पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के तरह से करते हैं, परंतु आनापान सति जरूर करते हैं और उसका प्रणाम उनको मिलता है। अभी हमें भी प्रणाम मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं और इसी श्रद्धा के साथ हम आनापान सति को समझते हैं। तो आनापान सति बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अगर की जाए तो मैं ये सोचता हूं कि हम जब तक 10 तक गिनती गिनते हैं हम कभी भूले ना। अगर 1 घंटे तक बैठते हैं आनापान सति करते हैं तो हम वो 10 तक गिनती किसी एक पाली में भी ना भूले, पूरी 10-10 तक गिनती के जोड़े हम अच्छे प्रकार से कहते रहें, तो हम जानते हैं कि हमारा आनापान सति की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा आनापान सति में हम परिपक्व हैं। इसी प्रकार अगर हम पहले दो पारियों में अगर हम आनापान सति पे कामयाब होंगे
हम कोई गिनती नहीं भूलेंगे, तो तीसरी पारी को भी हम अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा सांस कहाँ से होकर के कहाँ तक जाता है। तो इस प्रकार से जब कहाँ तक जाता है उस पर हमारी एकाग्रति होगी, तो तभी कहीं आगे जा करके जो हम चौथी पारी में जब कोई बिंदु ढूंढते हैं वो सरलता के साथ हम ढूंढ सकते हैं, सरलता के साथ उसको देख सकते हैं, सरलता के साथ उस पर बढ़ सकते हैं। ऐसी आनापान सति की जो प्रक्रिया है बहुत गहरी प्रक्रिया है, करते करते भी बहुत लोग बूढ़े हो गए हैं और अभी वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, फिर दोबारा से करते हैं। जैसे हम ही लोग भूल जाते हैं तो हमें भूलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, भूलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भूलने में हमें अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे आनापान सति का जो अभ्यास है वो कच्चा है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए और फिर दोबारा से संकल्प, रोज संकल्प लेकर के बढ़ना चाहिए, आज मैं भूलने की कोशिश करूंगा। और लंबे पीरियड तक हमें आनापान सति अगर हम करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आज इसी के ऊपर हम आनापान सति जो कार्य करते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं, उस पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा जब होगी तभी हम अपने काम पर पूरा मन लगा सकते हैं। तो ये कभी गलती होती है तो मैं इसके विषय में हमें आत्म संयम बरतने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, हमें बरतने की जरूरत है कि आत्म संयम में गलतियां होती रहती हैं, काम करेंगे तो गलती होगी, वो तो कब तक गलती होगी, संयम बनाए रखने की हमें जरूरत है। और जैसा हमें आज्ञा दी जाती है अगर उसी प्रक्रिया से हम करते हैं तो हम अपने गुरु लोगों का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार से हमें बुद्ध से लेके संघ को और अपने गुरुओं को जो हमें शिक्षा देते हैं, अपने अग्रणीय लोगों को साथ के प्रति हमें अपनी श्रद्धा रखनी है। जो बात बताई जाती है हमें उस बात के ऊपर भी श्रद्धा रखनी है कि वो अमुक आदमी ने हमें ये बात शिक्षा दी है तो हमें उनके प्रति भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। ऐसे मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, क्योंकि आनापान सति है और धर्म के विषय में हम गलती कैसे करते हैं इस प्रकार से इस कहानी में दर्शाया गया है। बहुत छोटी कहानी है तो इसलिए हमें ऐसी कहानियों के तहत ज्ञान याद रहता है, कभी रटने वाली विद्या को हम भूल भी सकते हैं अगर रोज रोज नहीं रटी जाए, कुछ दिन के बाद वो टूट फूट हो जाती है। तो इस प्रकार से कहानियों से हम बहुत जल्दी अनाड़ी से अनाड़ी अपने धर्म को सुन सकते हैं, अपने धर्म को परिपक्वता से सीख सकते हैं, उस पर परिवर्तन, अपने मन के ऊपर परिवर्तन कर सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, आत्म संयम कर सकते हैं और आज्ञा का भी पालन इसमें हो। ये तीन बातें हैं इस कहानी के अंदर जो पूरी होती है या अधूरी होती है, ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। तो ये जापान की एक कहानी है, क्योंकि बौद्ध धर्म जापान में बहुत ही प्रफुल्लता से बढ़ा है और वो जिसको हम ध्यान कहते हैं वो लोग उसको जैन कहते हैं, जैन जैन जैन। तो जैन गुरु वहां अलग ही होते हैं और उन जैन गुरु अपने जो लोगों को ध्यान सिखाते हैं वो हमारे जैसे लोग नहीं है कि जो भी आया सबको सुना दिया, जो भी आया सुन कोई समझ में नहीं आया तो चले गए और अगर नहीं समझ में आया तो बताने वाले गलती समझ ली कि ठीक प्रकार से हमें बताया नहीं, कैसे हमें समझ में नहीं आया है और हम भी वो उस बात को स्वीकार लेते हैं, हो सकता है भाई हमारे अंदर कोई गलती हो। तो ऐसा उधर नहीं था। तो इसी प्रकार से वो जैन गुरु, जापान में बहुत ज्यादा लोग हैं नाना प्रकार से, एक ऊंचा
जैन गुरु है। तो ऐसे एक जैन गुरु की कहानी आती है, जापान में कोई सिनालो नदी के नाम से नदी है, और वहां पर उस किनारे पर, उसके किनारे पर बहुत पहुंचे हुए एक जैन साधु रहते थे, संत रहते थे। तो बहुत सारे लोग उस जैन गुरु से जैन विद्या सीखना चाहते थे, और बहुत लोग सीख रहे थे। उनकी बहुत दूर दूर तक ख्याति थी, और जब हम मानते हैं ख्याति जो है किसी वैसे ऐरा गहरा की नहीं होती है, जो किसी पहुंचे हुए रास्ते पर उसी की ख्याति होती है। ऐसे बौद्ध धर्म के जैन गुरु, ध्यान के गुरु रहते थे, तो वहां यही चाहते थे कि मैं, वो भी ये चाहते कि मैं बहुत सारे लोगों को ये विद्या, कल्याणकारी विद्या है, इसको सिखाऊं। ऐसे बहुत दिन से सिखा रहे थे, और बहुत से लोग भी यही चाहते थे कि अगर ध्यान के विषय में कुछ सीखना है तो अमुक जापान में जो सिनानो नदी के किनारे रहते हैं वहां सीखने में अच्छा है। जैसे उस प्रकार भगवान बुद्ध अलग अलग भटकते रहे और अलग अलग गुरुओं की शिक्षा लेते रहे, तो इस प्रकार से बहुत लोग वहां जाते थे। परंतु एक व्यक्ति, उसका नाम ओसाफ था, एक व्यक्ति का नाम ओसाफ था, और ओसाफ ने भी मन में सोचा कि मुझे जैन गुरु के पास, जो उस नदी के किनारे पर रहते हैं, मैं उससे ये ध्यान की बात सीख लूं, ध्यान का जो विधि है, विद्या है, वो उनसे सीख लूं। बहुत ही अजीब तरह की लोग बातें करते हैं, और जो अच्छे गुरु होते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ने वाला ना हो, ठीक से समझने वाला हो, तो ऐसे गुरु अपने शिष्य बनाना चाहते हैं, वे कभी कभी कोई परीक्षा ले लेते हैं, ये सीख सकता भी है या नहीं भी सीख सकता है, उसके लिए वो परीक्षा कुछ लेते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे। जब वो ओसाफा उनके पास गया, डरते डरते कई बार लौट भी आया दरवाजे से कि कहीं मैं कोई परीक्षा लेंगे तो मैं फेल ना हो जाऊं, दरवाजे पे से ही लौट जाता था। एक दिन बड़ा मन पक्का करके बहुत ताकत लगाई उसने अपने आप में, और एक दिन उनके पास पहुंच गया। जब वह देखा उस जैन गुरु का रहन सहन, तो उस कुटिया में सिर्फ उनके एक बैठने का, लेटने का साधन था, उसमें अन्य कोई भी साधन उसमें नहीं था। उस कुठरिया में अकेले ही वो जैन गुरु रहते थे, परंतु वहां ना कोई खाने की व्यवस्था थी, ना कोई ज्यादा टीप टाप थी, उस जमाने में जैसा वहां रहते होंगे ऐसे थे। उसने सोचा इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बस धन दौलत है। वो तुरंत वहां से वापिस हुआ देख करके, और वो सारे के सारे व्यवस्था को नाश नाश करके, अपने झोपड़े को तोड़ के जो ने इकट्ठा किया था वो सब लोगों में बांट दिया, और फिर दोबारा अगले दिन फिर वो आता है और वहां उनसे
प्रार्थना करता है कि मुझे आप जैन विद्या सिखा देंगे, तो उन्होंने अनसुनी कर दी गई, सुना नहीं ढंग से। सुन लिया होगा तो शांत रहे होंगे। जब वो तीसरे बार बोला कि गुरुजी मुझे जैन विद्या सीखनी है, सिखा देंगे, बोले हाँ मैं आपको जैन विद्या सिखा दूंगा। तो उस प्रकार से संत ने कहा मैं सिखा तो दूंगा, पर आपको मेरा एक काम करना है, आप मेरा काम कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा। इस प्रकार उसने बोली, कहने लगे ठीक है मैं कर दूंगा। उस गुरु ने उस वो साफ को एक बक्सा दे दिया कि ये बक्सा ले जाओ और आगे नदी के अगले थोड़ी दूर पर ही एक संत रहते हैं हमारे मित्र, आप उनको दे दो। बेचारा उस सर पर रख करके जा रहा था। कुछ देर बाद उसको लगा कि एक संत दूसरे संत को क्या उपहार देते हैं, जरा देखूं। तो उसके मैम उसके मन में ऐसी बात आई, उसमें ताला नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी थी। और जैसे ही उसके मन में यह बात आई, झट से उसने उतारा, सर पर से जमीन पर रखा, और जमीन पर रखने के साथ सोच विचार करने लगा, ऐसी क्या चीज है, ताला तो है नहीं पर कुंडी लगी है। उसने जैसे ही कुंडी को हटाया, उठाया कुंडी खोल के ऊपर, जैसे क्या उसमें से एक चूहा निकल के भाग गया, एक चूहा निकल के भाग गया। अब उसे बड़ा अफसोस कि इसमें तो चूहा था और कोई था ही नहीं, अब क्या होगा। फिर भी वो निराश होकर के उस वैसे ही बंद करके कुंडी लगा के फिर से पर रख लेता है और उस गुरु के पास जाता है जहां उसको जाना था। और बक्सा देते समय वह घटना, सारी घटना उस आफा ने उस गुरु को सुना दी। तो कहने लगे तुमसे इतनी सी चीज को रोका नहीं, ये आपने क्या कर दिया, आपको ये कहा, क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था कि आप वहां पहुंचा देना, और फिर जब पहुंचाने के ही लिए तो कहा था, आपको ये तो नहीं कहा था रास्ते में खोल के देख लेना। बड़ा दुखी हुआ वो संत, कहने लगा जा अब तू ये बक्सा उन्हीं को दे दे। फिर बेचारा उल्टे पांव वह बक्सा लेके आता है और वह बक्सा अपने गुरु को दे देता है। तो जब अपने उस गुरु को दे देता है तो वो खोल के देखता है, बोले खोलना क्या गुरुजी, मैंने इसको खोल के देख लिया ऐसे कारण से, और वो चूहा था चूहा भाग गया इसमें, और तो कुछ है नहीं। बोले जब तैने एक छोटी चीज को नहीं संभाल के रखा, भगा दिया, तो तू जैन विद्या कैसे सीख सकता है, जैन विद्या कैसे सीख सकता है। तो इस प्रकार से वो उसको उसने लौटा दिया, जा पहले इन तीन बातों पर चिंतन कर, अभी तेरे मन में किसी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, अगर सिखाते सिखाते समय ज्यादा लग सकता है तो तेरे में आत्म संयम नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है
तैने हमारी आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया है। इस प्रकार से जब उसको कहा तो उसके बहुत दुखी हुआ, मेरे से बहुत गलती हो गई, और वह तुरंत भेज दिया, जा पहले अपने मन में धारण कर, मैं श्रद्धा के साथ कहीं रहूंगा, श्रद्धा के साथ संपर्क करूंगा, श्रद्धा के साथ सम्मान करूंगा, और आत्मसंयम रखूंगा, कितनी भी कठिन चीज है आज नहीं तो कल मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा आत्म खुद की आपकी संयमता होनी चाहिए। और अपने से सिखाने वाले के जो आज्ञा है, जैसे वो कहे, जो भी सिखाया जाए तो आज्ञा होती है, सिखाने की आज्ञा होती है, सीखने की भी आज्ञा लेनी होती है, तो ये सब बातें, ये तीन बातें हैं, इन पे तुम जब तक खड़े नहीं उतरोगे जब तक तुम जैन विद्या सीख नहीं सकते। इस प्रकार से बेचारा वो अपने घर वापस गया, जहां वो तोड़ फोड़ के अपने घर को बिगाड़ के आया, फिर दोबारा से नए प्रकार से उसने घर बनाया रहने के लिए। और बहुत दिन के बाद जब वो इस लायक हो गया, तब फिर दोबारा जाता है, तो उस गुरु के पास जाने के बाद दोबारा से श्रद्धा के साथ, आत्म संयम के साथ और आज्ञा के साथ तीनों बातों को परिपूर्ण करके चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद जब गया तब उसको जा करके ओशाफा को उस जैन गुरु ने शिक्षा दी है। तो इस प्रकार से हमारी भी वही बात है, हम में भी वही बात है कि हमारे अंदर किसी के सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा अगर नहीं है, उसमें गलती ढूंढते हैं, कई कई बातें होती हैं जो मेरे साथ घटती है, तो इसीलिए झूठ मूठ के श्रद्धा नहीं, असलियत में श्रद्धा होनी चाहिए धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, आचार्यों के प्रति, जो अपने से सीनियर हैं उनके प्रति वो भाव होना चाहिए। पहला भाव श्रद्धा का है, और आत्म संयम, कभी कोई बात किसी को पढ़ाई जाती है, कभी कोई बात किसी को सिखाई जाती है, तो उसमें संयम रहना चाहिए, आज नहीं तो कल इस बात का मुझे पता लग जाएगा। परंतु यहाँ लोगों में आपत्ति दिखाते हैं और दूसरे को सामने खड़ा करते हैं, तो वो समझाने वाली जो गुरु या अपने सीरत समझा रहा है, वो उसकी एक प्रकार से हीनता से दिखाई देती है।